साउथ फिल्मों के सुपरस्टार्स कब तक बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे, ये चर्चा पिछले कई सालों से चली आ रही है। फिर चाहे वो अल्लू अर्जुन हो या फिर केजीएफ स्टार यश, इन्हीं में से एक नाम है महेश बाबू का। महेश बाबू ने सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया में भी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग बनाई है, और हर कोई ये चाहता है कि उनका ये चहेता स्टार हिंदी फिल्मों में काम करे। लेकिन इस पर महेश बाबू की राय बेहद उलट है। दरअसल महेश बाबू ने बॉलीवुड में डेब्यू को लेकर कहा है कि बॉलीवुड उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकता, इसीलिए वो हिंदी फिल्मों में काम करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि मुझे बॉलीवुड से कई ऑफर्स आए हैं, लेकिन उन्हें ना तो फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद आई और ना ही फिल्म को लेकर दी जाने वाली उनकी फीस। बहरहाल इससे तो यही लगता है कि जिस तरह से साउथ इंडियन एक्टर्स और उनकी फिल्में बॉलीवुड को डोमिनेट कर रही हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में साउथ इंडियन इंडस्ट्री बॉलीवुड को पीछे छोड़ते हुए नंबर वन पोजीशन पर आ जाए। गाइस, बॉलीवुड के जैसे ही साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को टॉलीवुड कहा जाता है, और महेश बाबू टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के प्रिंस कहलाते हैं। गाइस, उनका बहुत ही ह्यूज फैन बेस है साउथ इंडियन इंडस्ट्री में। जहां एक और साउथ इंडियन इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्टर्स बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं, वहीं महेश बाबू बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने से कतराते हैं, वो काम करना ही नहीं चाहते। उसके पीछे का रीजन जानते हैं? महेश बाबू का ये मानना है कि टॉलीवुड इंडस्ट्री में वो सब कुछ है जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में है ही नहीं। इवन संभावनाएं टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हैं, और उनका ये भी मानना है कि जब टॉलीवुड में वो प्रिंस हैं तो बॉलीवुड में वो बिगनर की तरह रोल्स के भीख क्यों मांगे। गाइस, इसको कहते हैं एटीट्यूड। आपका महेश बाबू के इस एटीट्यूड के बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।